इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। दसवीं के साथ अब 12वीं के छात्र छात्राओं को भी किया जाएगा प्रोन्नत। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी ने इस फैसले पर आखिरी मुहर लगाई। इसके पहले उन्होंने लोक भवन में डिप्टी सीएम व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड की सरकारें बोर्ड की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर चुकी हैं। इससे पहले यूपी सरकार ने हाईस्कूल की परीक्षाएं रद्द की थी। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के कई अधिकारियों ने 30 मिनट तक बैठक की। 10:30 बजे शुरू हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है। शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार की गई कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की। इसमें परीक्षा रद्द किए जाने के बाद परीक्षार्थियों के अन्य विकल्प के सुझाव भी दिए गए हैं। यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट्स पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई थीं। सीबीएसई व आईसीएसई ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। ऐसे में यूपी में भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के कयास लगाए जा रहे थे। हाई स्कूल का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए एक अलग कमेटी भी गठित कर दी गई है। सुनिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाईस्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे, आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। जालौन की हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें जालौन लाइव टीवी।